तो मैं सच कहता हूँ हंसना बहुत कठिन होता है, लेकिन सतीश जी एक इस कठिन काम को कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा रहस्य है कि भाई लोगों को मतलब हंसाना सबसे मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोट पोट कर देते हैं, तो इसकी खासियत क्या आपकी? खासियत कुछ नहीं है, खासियत सिर्फ यही है कि मेरा ताल्लुक जो है हरियाणा के गांव से रहा है, धमंदा से, और उसकी मिट्टी में कुछ ऐसी बात है कि बेशक जो बोली है वो बड़ी लठमार है लेकिन बड़ी स्वीट है, और उसके अंदर ह्यूमर जो है, उसके अंदर जो बात है वो अपने हमेशा ही कॉमेडी करती है। हरियाणा में कोई नॉर्मल भी बात तो करेगा नहीं भाई, असल में ये मिलेगा तो रिकॉर्डेड क्यों कह रहे हो, इसमें कोई बात होगी शायद। इस मिट्टी ने मेरे को वो ताकत दी है कि मैं सिर्फ फंसाने का काम नहीं, मैं निर्देशक भी हूँ, मैं लिखता भी हूँ, मैं टेलीविजन में भी काम करता हूँ, मैं वेब सीरीज में भी काम करता हूँ, मैंने हॉलीवुड की पिक्चर में भी काम किया है, लेकिन वो इसलिए किया है क्योंकि मैं हरियाणा का हूँ और इस मिट्टी ने मुझे वो ताकत दी है, वो ताकत दी है कि मैं अपने अपने स्टेट का नाम लिखा। सतीश कौशिक को कब पता चला कि मैं सतीश कौशिक हूँ? देखिए ये तो खैर कोई नहीं बता सकता, मुझे आज तक नहीं पता कि मैं वाकई में सतीश कौशिक हूँ। मैं तो जिंदगी में ये कहता है कि आपको जिंदगी में अगर कुछ सिखाता है तो वो आपके फेलियर सिखाते हैं, तो मैं शायद हरियाणा में होते हुए इस बात के लिए हमेशा रहा हूँ कि मैं जब जब गिरा हूँ मेरे में ज्यादा ताकत आई है उठने की, और ज्यादा ताकत आई है अपने मील के पत्थर तक पहुंचने की। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कभी भी अपने मील के पत्थर को, अपने सक्सेस पॉइंट को, अपने सक्सेस बिंदु को डिफाइन मत करो, फाइनल मत करो। अगर सक्सेस की बिंदु तक अगर आप पहुंच जाओ ना तो उसको ठुड्डा मारो, पत्थर को आगे कर दो ताकि चलने का रास्ता और बन जाएगा और सक्सेस मिलेगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आप आए, हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो भी छात्र, ये आपके भी अपने बोल रहा हूँ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का जो भी छात्र एक्टिंग के क्षेत्र में, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में जो भी सहयोग मांगेगा, सतीश जी आपकी पकड़ जरूर जरूर। मैं, हमारी कंपनी है द सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट, आप वो उसकी वेबसाइट है, और अभी हमारी हरियाणवी पिक्चर हमने लास्ट बनाई थी छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती, वो बड़ी सक्सेसफुल गई, अभी भी G5 पे चल रही है वो, और अब दूसरी पिक्चर बनाने वाले हैं हम मेरा गांव मेरा धाम, जो एक्चुअली बेस्ड है कि द यूथ शुड कम बैक टू फार्मिंग इन हरियाणा, यंग लोग जो है वो फार्मिंग में वापस आना चाहिए, क्योंकि वो फार्मिंग जो है और किसान बनना जो है वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, तो उसके ऊपर हम फिल्म बना रहे हैं, और बाकी और सामाजिक विषयों पे हमारी फिल्म बन रही है। मैं चाहता हूँ कि टैलेंट यहाँ से ही आए, हरियाणा से ही आए, जितने भी राइटर हो। मैंने एक लड़के को अपने गाँव का लड़का था प्रवेश राजपूत, मेरे को बहुत बेहतर लगता था दादाजी, मैंने स्टोरी लिखी है ना, बार बार मेल भेजता रहता था, मैं सोचता था मुझे गाँव में कैसे लिख रहा होगा यार स्क्रिप्ट, तो आपको मैं यकीन दिलाऊं प्रवेश राजपूत ने एक स्क्रिप्ट भेजी मुझको, मैंने पढ़ी और मेरा दिमाग जो है उल्टा सीधा हो गया कि गांव में बैठ करके, धनौदा गांव में बैठ के ये लड़का इतना अच्छा राइटर कैसे बन सकता है। उसको मैंने ब्रेक दिया, और छोरियां छोरों से कम नहीं की पिक्चर जो है वो एक्चुअली में उसकी लिखी हुई है, उससे लिखी है, और वो हमारे और भी वो चीज है, वो प्रोफेशनल राइटर हो गया आज, स्टेज ऐप है उसका, वो क्रिएटिव हेड है, तो आज को कितनी, तो मैं चाहता हूँ कि यहीं के लोग आए और यहीं के लोग काम करें, अपनी मिट्टी पे काम करें, अपने हरियाणा में काम करें, और अपने रीजनल सिनेमा को एक्चुअली उसका प्रचार दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कौशिक जी, हमारे विशेष आग्रह पे आप आए और आपने हमारा मान रखा, और ये सिलसिला मिलने का जारी रहेगा, और आपकी सबसे बेस्ट फिल्म और उसका बेस्ट डायलॉग अंतिम, सबसे बेस्ट फिल्म आपने 100 से ज्यादा फिल्मों में, राम लखन में आपने इनको देखा, मिस्टर इंडिया में इनको देखा, डैडी में इनको देखा, कितनी सारी फिल्मों, 100 से ज्यादा फिल्में अपने लाइफ में करना, और उसके बाद इस मुकाम पर, और हमारे जैसे एक छोटे से जो कलाकार के अनुरोध पर यहाँ आना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मान है। आपकी बेस्ट फिल्म और उसका डायलॉग अंतिम बस। आपने मेरी 50 पिक्चरें कम कर दी, 50 से 75, 150 बोलो, 100 नहीं है, चलो मैं 150 फिल्मों के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां हरियाणा की आन और बान और शान स्पीच को। मैं एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं एक्टर ही हूँ, सिर्फ डायलॉग बोलता हूँ, लेकिन मेरी तो हर पिक्चर प्रिय है, क्योंकि मेरे लिए जो है ना ये काम जो है ना 24 घंटे का काम है। जैसे लोग बड़े परेशान होते हैं
मेरा नेफ्यू है निशांत कौशिक, वो कहता है चाचा जी कितना काम करते हो आप, 24 घंटे। मैंने कहा भैया ये कला का काम जो है ना ये 2-3-4-5 घंटे का नहीं है सर, ये तो दिमाग जो है वो सरस्वती की गोदी में रहता है और सरस्वती का आशीर्वाद चाहिए होता है और कभी अच्छा होता है। मेरे से ऐसा होता नहीं है कि मैं किसी काम को बोलूं कि ये अच्छा है या मैंने ये चीज कर दिया, ये मैं ये करना चाहता हूँ। मैं तो हमेशा जो है अग्रसर रहना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। आज मैं भी जो है जितना हरियाणा 56 साल का है, 56 साल का हो गया तो मैं 66 साल का हो गया हूँ, ठीक है ना। 10 साल का था जब हरियाणा बना, तो मैं हमेशा आगे चलते चलो और अपने आगे जो है ना एक ब्लैक बोर्ड जरूर रखो, क्योंकि जिंदगी में सीखना जो है ना वो सबसे बड़ी बात होती है। मैं आज भी ये सोचता हूँ कि मैं जो है किसी क्लासरूम में बैठा हुआ हूँ और टीचर सामने है और बोर्ड पे कुछ लिख रहा है और मुझे कुछ ज्ञान दे रहा है और मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है। अपने लिए अपना एक क्लासरूम बनाना जिंदगी भर, ये बहुत बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आज मैंने यहाँ पे कलाकारों को देखा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अजय सिंह जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदय है और वो आंध्र प्रदेश से संबोधन करते हैं, तो आंध्र प्रदेश में भी आपने कोई फिल्म शूटिंग की है या कुछ? मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश, जैसे कि आज मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को बनाने में आंध्र प्रदेश का कितना बड़ा हाथ है। छोटी छोटी पिक्चरें, लेकिन वहां का डिसिप्लिन, मैंने जब पहली बार आंध्र में पिक्चर की थी वीर रामानायडू साहब के साथ, उस फिल्म का नाम था, वो पिक्चर तेलुगु में तो पवित्र बंधन करके नाम बन थी, लेकिन उसका मैंने एडेप्टेशन किया था जिसका नाम था हम आपके दिल में रहते हैं। पहले कभी न हमने कहा दो आसनम, ये कहते हैं हम आपके दिल में रहे, हम आपके दिल में रहते हैं। वो जब मैंने काम किया सर, मैंने देखा कि वहां के राइटर्स, वहां के प्रोडक्शन वाले, वहां के प्रोड्यूसर्स कितने डिसिप्लिन्ड। एक राहु कालम का वहां पे रिवाज चलता है कि राहु कालम अगर हो उससे पहले एक्चुअली राहु कालम के पहले अपनी शूटिंग शुरू कर दो। तो मैंने डिसिप्लिन सीखा डॉक्टर वीरा महाराणू से और मैंने वहां पे हम आपके दिल में रहते हैं, हमारे दिल आपके पास है, मुझे कुछ कहना है, तेरे नाम जैसी पिक्चर जो है वो वहां पर बनाई गई। हैदराबाद में तो इतना मजा आता था काम कर रहे, बड़ी खुली खुली होती थी सर और सब, मतलब वहाँ पे वॉक करने का मजा आता था, वहाँ स्टूडियो, वहाँ के लोग, वहाँ के राइटर्स और डिसिप्लिन मैंने सबसे ज्यादा सीखा है वो आंध्रा मूवी इंडस्ट्री से सीखा और आंध्रा के लोगों से सीखा है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मेरी एजुकेशन में आंध्र प्रदेश का भी बहुत बड़ा हाथ है कि मैंने फिल्म मेकिंग को एक्चुअली डेडिकेशन से अगर सीखा तो नारायण सर के अंडर में सीखा। सतीश कौशिक जी के लिए जोरदार तालियां। ऐसी महान शख्सियत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहली बार पहुंची, हम आपके ऋणी हैं, सदैव ऋणी रहेंगे और हमारा प्यार प्रेम इसी तरीके से बना रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद भाइयों, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कौशिक जी, आपके बच्चों